भाई पूरा मामला जो है वो जो कॉरिडोर का मामला चल रहा हाईवे का दिल्ली देहरादून उसके विषय में इकट्ठे हुए। अब से एक महीना पहले सरकार के साथ में वार्ता हुई थी, उस वार्ता में मैं डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया था और एसडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया, जितने मुद्दे थे उनकी सब पर सहमति जताई गई थी, डीएम साहब ने भी जताई थी, एसडीएम साहब ने भी जताई थी, मगर एक महीने बाद में भी कोई समाधान नहीं किया और जबरदस्ती हाईवे बनाने वाले जबरदस्ती खेतों में मशीन ले जाकर जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा, किसान कब्जा होने नहीं देगा जब तक सही दाम सही उनका जो मामला मांग है वो पूरी नहीं होगी, जब तक किसान अपने खेतों में कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, ऐसे जनपद में कितने गांव हैं जिनके किसानों की जो जमीन है हाईवे में? 22-23 गांव इसमें है, अब तुम्हें 22-23 गाँव के जो किसान है किसी ने मुआवजा उठा रखा, किसी ने नहीं उठा रखा, जिस किसान ने मुआवजा नहीं उठा रखा वो क्यों अपने खेत में कब्जा होने देगा? फिर दूसरी बात यह है पैमाइश करके कब्जा नहीं कर रहे, अंधा सौदा हो रहा, पैमाइश में जमीन गुजारी रेंट कुछ दे रखा, जमीन ज्यादा एक बार कर रखी। किसानों की मांग है कि जब तक हमारी जमीन की जो हमारे पर रेट मिलेगा जो रेट हम उठावेंगे उसके हिसाब से जमीन हम देंगे, फालतू जमीन को बिल्कुल नहीं देंगे, और सरकार कोई सी व्यवस्था पूरा नहीं कर रही, लिपा पोती के सिवा और कुछ नहीं है। ये भी सुनने में आता कि वर्तमान जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से मुआवजा नहीं, मुआवजे की तो बात किसान ने पीछे छोड़ दी, मुआवजे की बात पीछे छोड़ के बात जो मुद्दे की थी जैसे ट्यूबवेल की है, फसल की है, पाई रास्तु की है, पानी की है, उन सब समस्याओं पर समाधान होने की बात आई थी, उस पर डीएम साहब ने भी सहमति जताई थी नहीं ये बात आपकी जायज मांग है, पर आज तक कोई भी बात पे अमल नहीं हुआ और जबरदस्ती जाके कंपनी वहां पे काम करना चाहती। अभी गठवाला साहब की निशाण पंचायत हुई थी तो उस पंचायत में कहा गया कि भाई थम्बेदारों को सबको मनाएंगे, एकत्र करेंगे और भाकियों राजनीति को मजबूत करा जाएगा। देखो वो एक खाप का मसला है, खाप उस पर क्या विचार करे क्या नहीं करते, हम इस बात को यहाँ आज जोड़ना भी नहीं चाहते, ना जोड़ने का मकसद है, हम जिस काम के लिए आए हमें उसी पे ही बोलना चाहिए, अन्यथा दूसरी बात को हमें उठानी चाहिए। गठवाले खाप की बात एक घरेलू मामला है, घरेलू बात है, संगठन की बात रही दूसरी, संगठन तरह तरह के संगठन बन रहे, चलाओ किसी को कोई ऐतराज नहीं है, किसी का मन कहीं है किसी का कहीं है, नमस्ते। तो हम तो ये कहें भाई जो भी मुद्दा